हेलो दोस्तों, दृष्टि पीसीएस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूँ गीतांजलि। आज हम पिछले एक हफ्ते की उन खास खबरों पर चर्चा करेंगे जिनसे राजस्थान राज्य की परीक्षाओं में सवाल पूछे जाने या उनसे सवाल बनाए जाने की संभावना होगी। उनसे जुड़े क्या तो कुछ तथ्य हैं जो महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा एपिसोड है आरपीएससी करंट अपडेट, यानी राजस्थान से जुड़ी पिछले एक हफ्ते की वे खास खबरें। तो आइए एपिसोड की शुरुआत में पहला सवाल देखते हैं। सवाल है, हाल ही में तीसरे डिजिटेक कॉन्क्लेव 2022 में किस वजह से राजस्थान को अवार्ड प्रदान किया गया? ऑप्शंस हैं, स्मार्ट वाटर सप्लाई मॉनिटरिंग सिस्टम लगाने के लिए, बिजली वितरण के लिए, ऑनलाइन पढ़ाई बेहतर बनाने के लिए, या इसमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब है कि अभी हाल ही में नई दिल्ली में डिजिटेक कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया था और इस पूरे कॉन्क्लेव में राजस्थान को स्मार्ट वाटर सप्लाई मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए अवार्ड प्रदान किया गया है। इस मॉनिटरिंग सिस्टम में मुख्य रूप से इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT का इस्तेमाल किया गया है। इसमें इसका इस्तेमाल इस तरीके से किया गया है कि जहां से वाटर की सप्लाई शुरू होती है, वहां से लेकर आप डेस्टिनेशन तक जहां पर वाटर की सप्लाई की जाती है यानी किसी व्यक्ति के घर तक, यहां पर सेंसर्स लगाए गए हैं जगह जगह पर। और इन सेंसर के जरिए जो भी डेटा है उस वाटर के बारे में कि उसका पीएच लेवल क्या है, यानी जब वह डेस्टिनेशन में पहुंचता है या किसी के घर में जब वाटर की सप्लाई होती है तो वहां पर उसका पीएच लेवल क्या है, उसमें क्लोरीन की मात्रा कितनी है, कौन कौन से तत्व यानी आर्सेनिक आदि उसमें कितने हैं, इन सेंसर्स के जरिए इस डेटा को इकट्ठा किया जाता है। सोर्स से जब पानी निकलता है तो वहां पर भी सेंसर्स लगाए गए हैं कि वाटर कितनी गति से जा रहा है वहां पर, या उसके व्यक्ति के घर में वह कितनी गति से पहुंच रहा है, उसका कितना फोर्स है उस वाटर का। तो ये सारी जानकारी इकट्ठा करने के लिए राजस्थान ने एक पहल की थी जिसमें उसने जयपुर के कुछ गांवों को सिलेक्ट किया था और इंटरनेट ऑफ थिंग के माध्यम से उसने रियल टाइम मॉनिटरिंग की थी यहां पर। इस वजह से राजस्थान को इस प्रोजेक्ट के लिए, इस बेहतरीन काम के लिए, ताकि डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दिया जा सके और विभिन्न क्षेत्रों में जो जल जीवन मिशन चल रहा है उसके बारे में क्या कुछ डेटा है जिसे इकट्ठा किया जा सकता है, इसके लिए राजस्थान को स्मार्ट वाटर सप्लाई मॉनिटरिंग सिस्टम लगाने के लिए यह अवार्ड दिया गया था। यानी डिजिटेक कॉन्क्लेव में डिजिटल रूप से कैसे विभिन्न क्षेत्रों में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके लिए राजस्थान को यह अवार्ड मिला है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है, राज्य में कहां पर टूरिज्म पुलिसिंग विषय पर 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया? ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, नागौर या जैसलमेर। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, जोधपुर। यानी राज्य में पर्यटन के विकास को लेकर, पर्यटकों की सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए, उनकी सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए अभी हाल ही में जोधपुर में 3 दिन के लिए टूरिज्म पुलिसिंग विषय पर सेमिनार ऑर्गेनाइज किया गया था। इस सेमिनार को राजस्थान के पर्यटन विभाग और उसका सेंटर ऑफ टूरिज्म पुलिसिंग जो डिपार्टमेंट है, इन दोनों ने मिलकर इसका आयोजन किया था। इस तरह इस सवाल के सही जवाब की बात करें, इसका आयोजन कहाँ किया गया था राजस्थान में, तो ऑप्शन बी, जोधपुर में किया गया था। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है, राज्य के किन शहरों के किलों को बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड मिला है? ऑप्शन है कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़, जयपुर और जोधपुर, उदयपुर और चित्तौड़गढ़, जैसलमेर और जोधपुर। तो अभी हाल ही में राजस्थान के कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ के किलों को बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया कौन सा सिल्वर आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड से इसे सम्मानित किया गया था। राजस्थान के बारे में हमें पता है कि यह अपनी कला संस्कृति और प्राचीन विरासत के लिए जाना जाता है। इन धरोहरों को संरक्षण देने के लिए और इसके आसपास पर्यटकों के विकास के लिए यह कार्य किया गया था और कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ के किलों को इस क्षेत्र में बेहतरीन तरीके से रखरखाव के लिए यह अवार्ड मिला है। तो यदि बात करें कि यह अवार्ड किसे मिला है, तो कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ के किलों को मिला है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राज्य सरकार द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कितने रुपए के पर्यटन विकास कोष का गठन किया गया है? ऑप्शन है 500 करोड़, 700 करोड़, 900 करोड़ या 1000 करोड़। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1000 करोड़। यानी राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटकों की सुख सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए, एक क्षेत्र में मुख्य रूप से लोग वहां पर आए, इसे डेस्टिनेशन टूरिज्म के रूप में विकास करने के लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने 1000 करोड़ रुपए के पर्यटन विकास कोष के गठन की बात कही है।
ऐसा क्यों किया जा रहा है? तो अभी देखा गया है कि पिछले एक वर्ष में राजस्थान में घरेलू लेवल पर ही पर्यटन में लगभग 78% की वृद्धि या बढ़ोतरी देखी गई है। तो इस लिहाज से पर्यटन विभाग ने यह तय किया है राजस्थान में कि कैसे विकास कोष का गठन किया जाएगा, जिसमें 1,000 करोड़ रुपए की राशि शामिल की जाएगी ताकि आसपास के जो भी पर्यटन क्षेत्र हैं उनको बढ़ावा दिया जा सके। इस तरह ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है, राज्य में कब से इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की जाएगी। यहाँ पर यह महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि राजस्थान गवर्नमेंट शहरी लेवल पर और ऐसे विभिन्न क्षेत्रों पर जहां पर रोजगार की जरूरत है, युवा वर्ग को रोजगार दिलाने के लिए एक गारंटी स्कीम शुरू कर रही है। नाम क्या है इसका? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। आपको बताना है कि इसकी शुरुआत कब से की जाएगी, 5 सितंबर, 8 सितंबर, 9 सितंबर या 10 सितंबर। इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 9 सितंबर। यानी राजस्थान में युवाओं को रोजगार की गारंटी के लिए रोजगार उपलब्ध करवाने को लेकर अभी हाल ही में 9 सितंबर 2022 को राजस्थान सरकार इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लेकर आ रही है, जिसके तहत रोजगार में वृद्धि की बात की जा रही है और रोजगार उपलब्धता के लिए यह तैयारी की जा रही है। तो सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है, मुख्यमंत्री ने कहां पर 73वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ किया है। यहां पर महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह राज्य स्तरीय लेवल पर ऑर्गेनाइज किया गया है। महत्वपूर्ण है इसका संस्करण क्योंकि यह 73वीं बार इसका संस्करण आयोजित किया जा रहा है। तो यह भी सवाल बनाया जा सकता है कि अभी हाल ही में राज्य स्तरीय वन महोत्सव आयोजन किया गया है, इसका यह कौन सा संस्करण है? तो यह इसका 73वां संस्करण है। हमारे ऑप्शन है सवाल के मुताबिक, जोधपुर, जयपुर, सीकर या जालौर। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, जोधपुर। यानी मुख्यमंत्री जी ने कहां पर जोधपुर में अभी हाल ही में राज्य स्तरीय वन महोत्सव की पूरी तैयारी की थी, यहां पर इसका आयोजन किया गया है। यहां पर इस आयोजन के साथ साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में वन के विकास को लेकर और वृक्षारोपण को लेकर जन जागरूकता फैलाने की बात कही है। इसके अलावा इसके साथ ही यहां पर लवकुश वाटिका और राजस्थान में ही बॉटेनिकल गार्डन के शिलान्यास का यहां पर उन्होंने अभी हाल ही में शुभारंभ किया है। लवकुश वाटिका के लिए जो लागत आएगी इसका अनुमान लगाया गया है 2 करोड़ रुपए, वहीं बॉटेनिकल गार्डन की जो शुरुआत की जा रही है इसके लिए अनुमान लगाया गया है 5 करोड़ रुपए का। तो सवाल के मुताबिक यदि देखें कि जवाब क्या है, तो ऑप्शन ए, जोधपुर इसका सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, हाल ही में जारी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 की सूची में राजस्थान के कितने शिक्षक शिक्षिका चयनित हुए हैं। ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, 2। यानी अभी हाल ही में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में जो भारत की राष्ट्रपति हैं मुर्मू जी, उन्होंने पूरे देश भर से 46 शिक्षकों का चयन किया है जिन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मुख्य रूप से किस लिए दिया जाता है? तो स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए और अपने आसपास के जो क्षेत्र हैं उनमें जागरूकता फैलाने के लिए, शिक्षा को लेकर, बाल शिक्षा को लेकर और कुछ अतिरिक्त ऐसे कार्य वहां पर जो शिक्षक करते हैं इनके लिए उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए यह पूरा अवार्ड सेरेमनी जो है वह ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो राजस्थान जिसमें 2 शिक्षक शिक्षिका चयनित हुए हैं, जिसमें से एक है बीकानेर से और दूसरी है जैसलमेर से। इन दोनों ही शिक्षकों ने, एक है सुनीता, उन्होंने मुख्य रूप से वहां पर जो दिव्यांग बच्चे थे उन्हें विभिन्न ओलंपियाड में सम्मिलित होने के लिए प्रोत्साहित किया, उन्हें ट्रेंड किया, तैयार किया ताकि वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी जाकर उन ओलंपियाड में शामिल हो सके और उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। इसके अलावा यदि बात करें, एक और उसमें शिक्षक है दुर्गा राम, तो इन्होंने मुख्य रूप से स्कूली शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ साथ ही उस क्षेत्र में जो भी बाल श्रम हो रहे थे उन बच्चों को वहां से वापस लाकर उनका पुनर्वास किया, उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में जोड़ा। इसके अलावा बाल श्रम के साथ साथ ही बाल तस्करी को भी उन्होंने कम करने के लिए बहुत ही प्रयास किए हैं। इसके लिए उन्हें पहले भी अवार्ड दिया जा चुका है। यह अवार्ड अब इन्हें शिक्षक दिवस के अवसर पर
बेस्ट शिक्षक के रूप में दिया जा रहा है। तो यदि पूछे कि राजस्थान से कितने शिक्षक शिक्षिका चयनित हुए हैं, दो इसका सही जवाब है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है, राज्य के किस जिले के अमित शर्मा ने साउथ अफ्रीका में कॉमरेड अल्ट्रा मैराथन में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ऑप्शन है अलवर, दौसा, टोंक या बूंदी। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, दौसा। राजस्थान के दौसा जिले के अमित शर्मा ने साउथ अफ्रीका में कॉमरेड अल्ट्रा मैराथन में पार्टिसिपेट किया और इसके साथ ही इन्होंने यहां पर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इस पूरे मैराथन में दुनिया भर से बहुत सारे खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें भारत से ही लगभग 200 खिलाड़ी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। इसमें इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है। यदि बात करें कि इन्होंने कितने किलोमीटर की रेस कितने समय में पूरी की है, तो 90 किलोमीटर की रेस इन्होंने 10 घंटे 42 मिनट में पूरी की है। इस तरह सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है, उद्योग मंत्री ने एमनेस्टी स्कीम की अवधि कब तक बढ़ाने पर मंजूरी दे दी है। ऑप्शन है 31 नवंबर 2022, 30 दिसंबर 2022, 25 जनवरी 2023 या 31 मार्च 2023। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, 31 मार्च 2023। यानी अभी हाल ही में सरकार ने ऐसा कहा है कि वे उद्योग जो आपदा या वित्तीय संकट की वजह से छोटे या मझौले उद्योग जो ऋण आदि उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं, तो इसलिए इसकी जो अवधि है एमनेस्टी स्कीम की, उसे 31 मार्च 2023 तक बढ़ाने की यहाँ पर बात चल रही है, जिसपे मंजूरी यहाँ पर मिल चुकी है। तो इस सवाल के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। इस सवाल के साथ हमारे आज के सेशन को विराम दीजिए। मिलते हैं कुछ नए सवालों के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। शुक्रिया।